हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि थस्टी यानी कि ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि फरीदाबाद में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी पोस्ट आई हुई है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको थस्टी सर्च करना है। जब आप थस्टी सर्च करेंगे तो आपको देखिए सबसे पहले नंबर पर थस्टी की वेबसाइट दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैरियर वाले ऑप्शन में जॉब्स में जाना है। जो आप जॉब्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए करंट ओपनिंग में दिख रहा है नीचे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट, सीनियर रेजिडेंट गायनी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, फील्ड वर्कर, लैब टेक्नीशियन, फाइनेंस ऑफिसर, ये सारी पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। फाइनेंस ऑफिसर का जो आज था आज इंटरव्यू हो चुका है, यहाँ तक कि लैब टेक्नीशियन तक आपकी ये पांच या छह पोस्टें हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ डाउनलोड डिटेल पर क्लिक करना है। जब आप डाउनलोड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक पीडीएफ दिखाई देगी। उससे पहले क्या देखना है, आपको यहाँ पे देखिए वॉक इन लिखा हुआ है, यानी कि सारी जितनी भी पोस्ट मैंने अभी यहाँ पे आपको बताई है लैब टेक्नीशियन तक की, ये सारी पोस्ट की जो फॉर्म है ये वॉक इन है, यानी कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां जाने हैं और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। और उसको उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहा तो आपको पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस पीडीएफ को मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, चलिए डिटेल में से हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका वैकेंसी नोटिफिकेशन है, ये आपका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है इसका नाम है रोल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज इन वुमेन विद प्रायर गेस्टेशनल डायबिटीज। जो इसके पीआई है प्रोजेक्ट के उनका डॉक्टर पल्लवी खसेत्रपाल, ये उनका नाम है। ये आपका जो रिसर्च एसोसिएट टू की पोस्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ पोजिशन वन है। मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल रखी गई है। वॉक इन इंटरव्यू जो है वो आपका 22 अक्टूबर को रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये आपका पीएचडी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट विद ए मिनिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। जिस फील्ड में आप अप्लाई करें उसमें आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट वन पब्लिकेशन एज फर्स्ट ऑथर इन द साइंटिफिक जर्नल, आपका एक फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन होना चाहिए, ये इनकी कंडीशन है। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो वो सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसे हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन डाटा एनालिसिस फ्रॉम स्पेक्ट्रल डाटा एक्वायर्ड ऑन LCMS प्लेटफॉर्म, LCMS से आपको डाटा एक्वायर करके उसका एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग क्लिनिकल सैंपल फॉर प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइसेट फॉर स्पेक्ट्रल डाटा एक्विजिशन यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑनलाइन डाटाबेस टूल्स फॉर एनालाइजिंग स्पेक्ट्रल डाटा, ये सारी जो यहाँ पे मेंशन किया गया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस, ये आपके पास होनी होगी तो और बेहतर माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मंथली फेलोशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 61,000 पर मंथ फेलोशिप मिल रही है, प्लस आपका जो एचआर है उस सर्कल रेट के हिसाब से जो भी आपको लग रहा होगा वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका मल्टी एपिटोप नैनो पार्टिकल बेस्ड ब्रॉडली प्रोटेक्टिव बीटा कोरोना वायरस कैंडिडेट वैक्सीन, ये आपका सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसमें आपका मांगा गया है मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि एमएससी के बाद आपके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका आपका जो मैक्सिमम एज है 40 साल रखी गई है। डेट ऑफ इंटरव्यू आपका 21 अक्टूबर है। इसके अलावा अगर आपके पास पीएचडी इन लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड पीएचडी थीसिस में आल्सो अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। अगर आपने अपनी थीसिस सबमिट कर लिया और अभी अगर आपका वाइवा नहीं हुआ है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है आपका एक्सपीरियंस इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इम्यूनो एसे वैलिडेशन QMS मॉलिक्यूलर क्लोनिंग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन सेल कल्चर एंड ETC। यहाँ पे जो आपको फेलोशिप मिलने वाला है वो 42,000 प्लस HRA आपको मिलने वाला है, यानी कि वो आपका 50,000 के ऊपर आपका चला जाएगा। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज मेंशन अबव में वॉक इन फॉर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू, ये तीनों में से कोई एक होगा या इसके लिए ऐसा रखा गया है कि अगर मान लीजिए कैंडिडेट का नंबर ज्यादा हो जाता है तो वो आपसे रिटन टेस्ट ले सकते हैं, अगर कैंडिडेट का नंबर कम रहा तो वो आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू लेंगे। ये आपको सुबह 9 बजे पहुंच जाना है थस्टी NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर 3 माइलस्टोन फरीदाबाद गुरुग्राम एक्सप्रेसवे फरीदाबाद में। ये आपका इंटरव्यू है, ये वॉक इन है, यानी कि आपको वहां जाकर के अपना इंटरव्यू देना होगा।
नोट में कुछ पॉइंट दिया हुआ, इसको भी जरा आप देख लीजिए। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर लेटेस्ट रिज्यूम, आपको अपना सीवी या रिज्यूम जो है वो साथ में लेकर जाना है जो अपडेटेड हो। वन सेट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अलोंग विद ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी कार्ड फॉर वेरिफिकेशन। आपको अपने जो आप सीवी बनाएंगे वो तो साथ में लेकर जाने हैं, उसके साथ में आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सारे साथ में लेकर जाने हैं जो ये वेरीफाई कर सकें कि हाँ आपका जो भी आपने सीवी में मेंशन किया है वो सब ओरिजिनल है। कैंडिडेट कमिंग आफ्टर द टाइम स्लॉट मेंशन विल नॉट बी एंटरटेन। टाइम स्लॉट आपका 9 बजे से दिया हुआ है, अगर इसके बाद आप वहां पर पहुंचते हैं तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जनरल टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे जो आपकी जो मतलब जो एज क्वालिफिकेशन जो भी काउंट होगी वो जो जिस दिन एग्जाम की जो आपका इंटरव्यू उसकी लास्ट डेट है उससे काउंट होगी, यानी कि 22 को है तो 22 को, अगर 21 अक्टूबर को है तो 21 अक्टूबर से आपकी एज काउंटिंग की जाएगी। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है एससी एसटी कम्युनिटीज को और 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ओबीसी कैंडिडेट को। फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डायबिटीज फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी, अनरिजर्व को 10 ईयर का दिया जाएगा जो पीडब्ल्यूडी में है, ओबीसी को 13 साल का और एससी एसटी को 15 साल का। ये यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ऑल कम्युनिकेशन विल ओनली बी मेड थ्रू ऑनलाइन, जितने भी आप फ्यूचर के कम्युनिकेशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, जो भी आप अपना सीवी में ईमेल आईडी डालेंगे उसके थ्रू। कैनवासिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। कैनवासिंग यानी कि आप अपना जुगाड़ या पौवा लगाएंगे तो आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा, और कोई भी आप उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तब भी आपको वो डिस्क्वालिफाई कर देंगे। तो ये सारा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ। इसके अलावा आप जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन जो है 4 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। इसमें आपका जो है ये आपका प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है, 1 पोस्ट है, इसमें आपको 67,000 प्लस एचआरए दिया जा रहा है। जो आपका एज लिमिट है वो 40 साल रखी गई, डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपका 22 अक्टूबर को रखा गया है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। वहीं पे जैसे आपका नीचे जो है आपका ये प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया इंटर इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम फॉर मैटरनल न्यूनेटल एंड इन्फेंट साइंसेज ए ट्रांसलेशनल अप्रोचेस, ये आपका हो गया। ये गायनी की पोस्ट जो मैंने डिस्कस किया था, ये सीनियर रेजिडेंट यानी कि एसआर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है इसमें। इसमें आप आपके पास एलिजिबिलिटी एमडी इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी और एमबीबीएस विद 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो आपको फेलोशिप है, जो आपको ये पैसे मिलने वाले हैं वो 1,21,000 रुपए पर मंथ मिलने वाला है। इसकी जो वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है वो 18 अक्टूबर है, यानी कि आज 13 अक्टूबर है, 5 दिन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसी तरह से बाकी के पोस्ट के यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इसको आप हमारे पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप वहां पर आकर के क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको जल्दी जितना जल्दी हो सके हम रिजोल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये वेबसाइट का लिंक जो है मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के खुद से भी चेक करना चाहें तो जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद।